दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नई दिल्ली विधान परिषद के कन्वेंशन सेंटर में बैठक के लिए पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने संसद मार्ग पर पटेल चौक से जयसिंह रोड जंक्शन तक रोड शो किया। इस दौरान पूरा रास्ता अलग अलग तरह की झांकियों से सजाया गया था। यहां ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कलाकारों ने पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया। इस रोड शो के जरिए भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 15 मिनट तक चले इस रोड शो के दौरान खुशी से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी के स्वागत में मुस्लिम महिलाओं का हुजूम भी नजर आया। जो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मोदी जी तो हमारी जान है। इस रोड शो के बाद पीएम मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक से पहले इस रोड शो के आयोजन का मकसद भी है दिल्ली में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, राजधानी में पार्टी की मजबूती बनाए रखना, आम आदमी पार्टी की पैठ को कम करना और जनता के बीच मैसेज पहुंचाना। हालांकि पीएम मोदी के इस भव्य रोड शो पर सियासत भी तेज हो गई है। 8,500 करोड़ के विमान में घूमने वाले लोग राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर के अगर रोड शो या पैदल यात्रा करते हैं तो मैं इसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर मानूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आदियोगी की एक और प्रतिमा स्थापित की। रविवार को बेंगलुरु के चिकबल्लापुरा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक भव्य कार्यक्रम में 112 फीट ऊंची आदियोगी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के अलावा कर्नाटक की कई जानी मानी हस्तियों के अलावा सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सदगुरु जग्गी वासुदेव की तारीफ करते हुए कहा कि आदियोगी लंबे समय से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बोम्मई ने कहा कि अगर हम कुछ क्षण के लिए भी आदियोगी को देखते हैं तो गहरी अनुभूति होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सदगुरु की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वो सदगुरु नहीं सदा गुरु हैं। उनकी साधना अनुभव और कर्म किसी भव्य दर्शन से कम नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शक्तिशाली पीठ परिवर्तन के स्रोत होते हैं। आदियोगी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आदियोगी दिव्य दर्शनम नाम का एक शो भी दिखाया गया। आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण से पहले सदगुरु ने प्रतिमा के पास योगेश्वर लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत से जिले में गम का माहौल है। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं इलाके के लोग चारों युवकों की दोस्ती को याद करके गमजदा हो रहे हैं। तो अभी लेखपाल द्वारा सूचना मिला है कि किसी का आईडी प्रूफ जो है हमको दीजिए, जिसको हम नेपाल भेजें और शव को मंगाया जा सके। नेपाल हादसे में जान गंवाने वाले सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। सोनू जायसवाल शराब कारोबारी था, जबकि अनिल, अभिषेक और विशाल के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को सरकार से मदद की दरकार है। वहीं दूसरी ओर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अनिल राजभर के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही नागरिक उड्डयन और विदेश मंत्रालय से पीड़ित परिवारों को मदद मिले इसके लिए पहल करने की बात भी कही। सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पीएम करा करके डेड बॉडी परिवार को सौंप दिया जाए। वहीं नेपाल में सोमवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 70 शव बरामद कर लिए गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।